नमस्कार, आप देख रहे हैं धनौरा टाइम्स न्यूज। शहर में निकाली गई रालोद नेता कपिल चंद्रा द्वारा विशाल रैली। रैली में लोगों ने केंद्र के साथ राज्य सरकार को भी कोसा, कहा अगला विधायक कपिल चंद्रा होगा। धनौरा विधानसभा से जिसने कुछ नहीं देखा उन्हें रालोद नेता कपिल चंद्रा की महारैली जरूर देखनी चाहिए। ये तो सिर्फ आगाज है, अंजाम तो क्षेत्र के लोगों की पुकार 2022 में धनौरा विधानसभा से प्रत्याशी कपिल चंद्रा को साबित होगा। ये कहना है रालोद के नेता कपिल चंद्रा द्वारा आयोजित भाईचारा जिंदाबाद नारा दिया। महारैली को संबोधित कर रहे हैं रालोद नेता कपिल चंद्रा ने ये रैली निकालकर विधानसभा चुनाव से पहले अपना दम दिखाया है। उन्होंने कहा है कि जब से राज्य में भाजपा की सरकार आई है तब से राज्य में पूंजीपतियों का बोलबाला है। सरकारी महकमे में धीरे धीरे निजीकरण की ओर बढ़ रहा है, महंगाई चरम तक पहुंच गई है, कृषि कानून के नाम पर किसानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लोगों के रसोई घर तक गैस पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लगातार पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि के कारण महंगाई इस कदर बढ़ी है कि सड़कों पर वाहन चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। कपिल चंद्रा ने कहा रालोद शासन में कभी भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा नहीं दिया गया। जब से राज्य में बीजेपी सरकार आई है तब से सांप्रदायिकता को ध्रुवीकरण लेकर राज्य की कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार में विकास की सिर्फ बातें करती है, केंद्र हो या राज्य विकास के नाम पर लूट का शोर मचाए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव में गणतंत्र के लिए संघर्ष होगा। धनौरा विधानसभा में लोगों ने कपिल चंद्रा के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कहा है कि गणतंत्र और चीफ फंड के नेताओं को सबक सिखाने के लिए संघर्ष के लिए अभी से कमर कस रहे हैं। धनौरा विधानसभा से कपिल चंद्रा के राज का बोलबाला है, इसे विधायक बनाने के लिए लोगों ने मन बना लिया है। आने वाले 2022 में धनौरा विधानसभा से कपिल चंद्रा विधायक होंगे और रालोद गठबंधन के साथ सत्ता में आएगी। मेरे लहू के हर कतरे को, मेरे लहू के हर कतरे को मेरे जिस्म में फैला देना। जिस दिन मैं इस दुनिया से रुखसत लूं, मेरे शरीर पर हिंदुस्तान लिखवा देना। भाईचारा सम्मेलन